Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. मुझसे अगेन किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि क्या जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, क्या वो अपने अपनी बहन श्वेता कृति के वॉम से पैदा होंगे. विल टेक रिबर्थ फ्रॉम श्वेता कृति वॉम. क्या उनकी बहन के थ्रू उनका जन्म होगा, ऐसा किसी ने पूछा हुआ है. कि तो मैं अपने कार्ड से ये जानना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बताएं कि जो आसपास जो भी मेरी एंजल्स हैं पास में वो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये सही बात है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर हैं, हम सब उनको चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो वापस आएँ. और जब वापस आए तो उन्हें सब कुछ वो मिल सके जो इस लाइफ में वो नहीं गेन कर पाए. तो मैं अपने कार्ड से ये जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं प्लीज़ बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत क्या अपनी बहन श्वेता कृति, जो उनकी बहन है, सगी बहन है, क्या उनकी वॉम से जन्म लेंगे, क्या उनकी संतान बन के आएंगे. प्लीज़ मेरे जो एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें, प्लीज़ मुझे जवाब दें, प्लीज़ मुझे बताएं. अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स अगर देखूँ तो इसमें कार्ड साफ मैसेज कर रहे हैं कि उनका जो जन्म, जो आप पूछ रहे हैं कि जिस किसी ने भी पूछा हुआ है हमसे कि ये श्वेता कृति के वॉम से जन्म लेंगे, तो मैं बता दूँ कि उनके ऑलरेडी 2 बेबीज हैं. उनके श्वेता के ऑलरेडी 2 बेबीज ऑलरेडी हैं. और ऐसा सोचना बिल्कुल डे ड्रीमिंग की तरह है कि वो श्वेता के वॉम से जन्म लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो किसी खास मकसद से आएंगे इस दुनिया में. ही विल टेक रिबर्थ फॉर सम पर्पस. और उनको 2 एंजल्स हैं उनके साथ, वही उनको नीचे लाएंगे. दिस इज सुशांत सिंह राजपूत इन बिटवीन, आप देख सकते हैं. ही विल टेक रिबर्थ विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एंजल्स. स्वयं उनको गॉड भेजेंगे. द गॉड विल ऑर्डर हिम टू टेक रिबर्थ. ठीक है, ये बात आपको जिसने पूछा है वो यू हैव अंडरस्टूड कि ये डे ड्रीमिंग है कि वो अपने बहन के उससे जन्म लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आप सोच रहे हैं वो कार्ड्स यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं. दिस इज़ ओनली अ डे ड्रीमिंग. ये केवल एक मनगढ़ंत बात है. अपने बहन के वॉर्म से तो वो जन्म नहीं लेंगे. जहाँ गॉड भेजेंगे वहाँ उन्हें जाना होगा. और जिस लेडी के वो जन्म लेंगे, जिस लेडी के उससे वॉर्म से जन्म लेंगे, वो लेडी एक बहुत ही एजुकेटेड, एक वो खुद भी, उनकी माँ जो इस उस जन्म में जो बनेंगी, वो खुद भी एक बहुत अच्छी, एक अच्छी लेडी, एक पढ़ी लिखी सीधी साधी एक इनोसेंट लेडी होगी. ही विल बी वेरी एजुकेटेड. एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो कोई डिग्री प्राप्त कर रही होंगी, या मतलब उनका जो मॉरल टीचिंग होगा ना, मॉरल टीचिंग बहुत अच्छा होगा उनकी माँ का, जब वो जहाँ कहीं भी वो जन्म लेंगे. लेकिन उनका ये भी दिखाता है कि उनकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ होगा अपने अपने समय में. जिस लेडी के वॉर्म से वो जन्म लेंगे, वो लेडी बहुत स्ट्रगलिंग होगी, बहुत सहनशील होगी, बहुत चुपचाप इनोसेंट होगी. शी विल बी वेरी इनोसेंट, वेरी यू कैन से शी विल बी वेरी गुड लेडी. बहुत पेशेंस होगा उस लेडी में, दर्द सहने की शक्ति होगी. और उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा इंसल्ट को झेला होगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ. वो जहाँ भी
इस वक्त जो भी वो लेडी है उसने बहुत कठिनाइयाँ झेली होंगी, शी विल बी वेरी स्ट्रगलिंग एंड उसने बहुत दुख झेले होंगे, दुख देखे होंगे उसने। तो ऐसी लेडी के जो है वो वॉर्म से वो जन्म लेंगे और ये सब कुछ उनकी किस्मत का खेल है, ये सब उनकी किस्मत का खेल है कि सुशांत सिंह राजपूत ये अपने किस्मत से ऐसी लेडी को पाएंगे, ऐसी लेडी को पाएंगे, ऐसे घर में वो जन्म लेंगे। घर में आपको बता चुकी हूँ, प्लेस में बता चुकी हूँ और बहुत ही अभी मतलब पेशेंस रखना होगा हम सबको कि वो अभी फ़िलहाल जन्म नहीं लेंगे इस लेडी के वॉर्म से, इस लेडी के वॉर्म से। ये लेडी बहुत ग्रेट लेडी होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि ये फेमस ही हो, लेकिन ये बहुत ही चुपचाप बहुत ही इनोसेंट लेडी कोई होगी और बहुत समय बाद ये खुद भी इंतज़ार कर रही होगी प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो हम सबको अभी इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है, इस लेडी के वॉर्म से ही ये जन्म लेंगे। स्वयं आप ये अगर कार्ड रिलेट करें तो स्वयं एंजल्स भेजेंगे इनके पास, इस लेडी के पास, और ये सब किस्मत का खेल है। उस लेडी का भी किस्मत होगी, उस लेडी ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। ये देखिए कार्ड ये स्वयं दिखा रहा है कि दिस कार्ड इज़ शोइंग दैट दिस लेडी हैव स्ट्रगल्ड टू मच, और ये इस लेडी के जिससे शादी हुई है वो जो जेंट्स जो भी कोई इनके फादर होंगे वो भी बहुत मतलब इस लेडी से बहुत मतलब यू कैन से सपोर्ट बहुत लेते होंगे, इस लेडी से बहुत सपोर्ट उनको मिला होगा इस लेडी से, तो ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। और अभी बहुत पेशेंस रखना है हम सबको, ये प्रोसेस बहुत धीमे हैं, अभी धीमे धीमे चल रही है। तो इसमें जो लास्ट कार्ड आया है वो ये है कि ये जॉइंट फैमिली में लेंगे, सिंगल फैमिली में तो ये बिल्कुल भी, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है, ही विल नॉट टेक बर्थ इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली सुशांत सिंह राजपूत विल टेक बर्थ। जैसे अभी उनके में भाई बहन हैं और मतलब इस जन्म में अभी जब थे तो उनके उनकी बहन थी, उनके जो गांव के लोग थे बिहार के, तो एक जॉइंट फैमिली मतलब वो खुद भी अकेले रहना पसंद नहीं करते थे, आपने देखा होगा रूम में भी उनके फ्रेंड्स रहते थे। तो इस अब जो बर्थ लेंगे वो उसमें भी यही इफ़ेक्ट आएगा कि वो लोगों के बीच में रहना चाहेंगे, अकेले वो ना ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस जन्म में भी उनको नुकसान हुआ था और उस अब इस जन्म में ना हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्कुल प्रोटेक्शन लेकर के आएंगे और ये बात वो जानते हैं अच्छे से। जब हम ये सब सेशन करते हैं स्पिरिट सेशन तो स्पिरिट खुद बोलती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये फैमिली में ही लेंगे, अपने प्रोटेक्शन लेंगे। और जैसा कि इन्होंने पूछा है कि किस हाउस में लेंगे, मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ कैथोलिक या चर्च टाइप का, जहाँ ये अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ ये अपनी अच्छी बातों को, गुड डीड्स को, जहाँ ये प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ये प्रमोट करेंगे। तो हो सकता है कि ये कोई प्रीस्ट हो, ठीक है, इसमें ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। अगर इसमें और कार्ड्स अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं और कार्ड्स इसमें देखना चाहूँगी क्या मैसेज है। इसमें बार बार जो कार्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि इनका बहुत अच्छे से एक रिलेशन होगा कैथोलिक चर्च की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं फाइट करेंगे कि स्टेट और कैथोलिक में फाइट होगी, यानी कि जब ये आएंगे तो जिस चीज़ को ये प्रमोट करना चाहते हैं उसमें बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन ही विल विन, सुशांत विल विन। वो जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, जो अच्छी अपनी बातें हैं, जो गुड डीड्स हैं, जो मॉरल प्रीचिंग्स जिसे कहते हैं ना, प्रीस्ट लोग प्रीच करते हैं, तो वो अपनी इसी मकसद से ही आएंगे और गॉड इसीलिए इनको भेजेंगे ऐसी जगह पे जहाँ रिलीजियस प्लेस होगी। तो ऐसा कार्ड्स ये कह रहे हैं और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि ये इनकी बहुत संभावना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक उसमें क्रिश्चियन या कैथोलिक उसमें रहेंगे, लेकिन ये लोगों को पढ़ाएंगे भी, मतलब
प्रीचिंग करेंगे, जैसे कि कार्ड आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति एक लिया हुआ है, बुक लिया हुआ है और बाकी लोगों को नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। ये नॉलेज देंगे लोगों को, ये अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ये रिलीजियस होंगे और ये बहुत ही एक अच्छे इंसान होंगे। मैं एक बार ये भी चेक कर लेती हूँ कार्ड से कि क्या इनकी कोई संभावना है, इंडिया से कोई रिलेशन इनका रहेगा क्या, कि इंडिया के किसी उसमें आएंगे या कोई ऐसा फैमिली मेंबर इनका इंडिया से यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा क्या। अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी क्या इंडिया से कोई सुशांत सिंह राजपूत का अपने आगे जन्म में कोई रिलेशन रहेगा क्या। प्लीज़ मुझे मेरे कार्ड्स बताएं कि इंडिया से कोई रिलेशन रहेगा क्या। नो, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको अगर ये आए यहाँ पे तो इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं इंडिया में इनको बहुत भेदभाव करना, जाति धर्म यहाँ भेदभाव बहुत होता है इंडिया में, तो हो सकता है कि इस वजह से वो इंडिया में तो नहीं आएंगे। इंडिया से कोई रिलेशन इनको नहीं रखना है, कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इंसान घिरा हुआ है वरी से, चिंताओं से घिरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ, यहाँ पे कोई काट रहा है, कोई चूरा भोंक रहा है इस तरीके से, तो कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं इंडिया से ये कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, बिल्कुल कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया से कोई मैं ये देखना चाहूँगी कि इंडियन पीपल से ही क्या ये मिलने आएंगे, क्या ये इंडिया में मिलने के लिए आएंगे कभी अपने अगले जन्म में, कभी यहाँ आना होगा इनका। अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूं, प्लीज मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत क्या अपने अगले जन्म में इंडिया आने का उनका है कुछ ऐसा। ये अगर मैं कार्ड कहूं तो ये एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, जब ये बन जाएंगे, जब ये फेमस हो जाएंगे, तब ये दुनिया में घूमेंगे और विद फैमिली, इनकी फैमिली बन चुकी होगी, इनके खुद के जो बच्चे होंगे इन, जब इस स्टेज पे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 35-40 के एज में ये वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, और वर्ल्ड ट्रैवल करते करते ये जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इंडिया को भी आकर के ये प्रीचिंग दें उस वक्त। तो ये बहुत संभावना है कि ये इंडिया में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के रूप में आएंगे, 35-40 के एज में ये वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, इनकी फैमिली तब तक बन चुकी होगी, इन्हें अपना लव, अपना जो इनका प्यार है वो मिल चुका होगा, जो इस जन्म में वो अंकिता लोखंडे को नहीं पा पाए, लेकिन उस जन्म में अब जो नेक्स्ट ये लेंगे इसमें ये अपने प्यार को पाएंगे भी, इनके बच्चे भी होंगे और ये वर्ल्ड ट्रैवल भी करेंगे, फैमिली को भी संभालेंगे, ही विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आएंगे केवल मिलने के लिए आएंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो आई थिंक कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।